समस्या मेरे इलाके की नहीं है, मैं क्यों सुनूं? लेकिन ऐसी सोच को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने वाली भावना ही किसी को विजयी बनाती है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार। आज हमारे साथ है मंजू शर्मा, जो झोटवाड़ा के वार्ड 7 से तीन बार पार्षद रह चुकी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि तीन तीन बार चुनाव जीतना और इस सफर को इतने आसानी से यहाँ तक तो नहीं लाया होगा आपने, क्या कुछ ऐसे पल हैं जो आप अभी भी याद करते हैं अपने सफर के दौरान, जो आपके चेहरे पर एक स्माइल, एक खुशी का एलिमेंट लेके आते हैं? देखिए, पार्षद के जीवन में, पार्षद के कार्यकाल में संतोष की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि किसी का हम काम करा देते हैं, किसी की यदि सीवर बह रही है और उसके सीवर का हम काम करा देते हैं और उसके चेहरे पर खुशी देखकर हमें संतोष मिलता है। बाकी तो वैसे संतोष की कोई गुंजाइश नहीं रहती, हर दिन इतनी शिकायतें आती हैं, बस काम करते रहना है हमें। बिल्कुल, और यही बात है, चैलेंजेस आते रहते हैं और हर चैलेंज को सीरियसली इतने लेके सुबह से शाम, दिन से रात। आप एक बात बताइए, पहले चुनाव का एक्सपीरियंस कैसा और उसके बाद अब तीसरी बार भी आप पार्षद चुनी गई हैं, कैसे लगता है? कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था या फिर आपने खुद से क्रिएट किया? देखिए, पहला मैंने इलेक्शन लड़ा तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विजय हुई। तो मैंने जनता को मानी अपना ये एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य मानती हुई मैंने उनकी पूरी तरह से, पूरी लगन से, पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करी। छोटी से छोटी समस्या भी मैं उसको बड़ी समस्या समझ के और उसका काम निपटाने का मैं बिल्कुल प्रयास करती थी और कार्य होता भी रहा। इसी विश्वास ने जनता ने मुझे बार बार मौका दिया और आशीर्वाद दिया जी। और एक बातचीत के दौरान मुझे पता चला आपकी दिनचर्या, लोगों को लगता है कि शायद इलेक्शन जीत जाना, चुनाव जीत जाना, और ज़्यादातर महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो आराम से घर पे बैठ जाती हैं और पति पार्षद का काम करते हैं, भाग दौड़ का काम करते हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या के बारे में मैं जानना चाहूँगी, कितना हैक्टिक होता है ये शेड्यूल? देखिए, महिला सीट होने की वजह से मैंने ही चुनाव लड़ा है और मेरे पति देव वैसे मेरा पूरा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जो पार्षद का कार्य है मैं स्वयं खुद करती हूँ। जैसे सुबह हमारे 6 बजे से ही हमारा काम चालू हो जाता है, किसी की सुबह सुबह किसी के कोई कुत्ता मर जाता है, किसी की सीवर बह रही है, किसी की कचरा उठाना है, तो इस तरह से हमारे सुबह 6 बजे से ही हमारे पास फ़ोन आने लग जाते हैं और रात के 11-12 बजे तक, जैसे कि RSB की तरफ से लाइट गई है तो भी पार्षद के पास ही फ़ोन आता है कि हमारी घरों की लाइट जा चुकी है। तो हमारा तो कोई काम करने की कोई टाइम नहीं है, हम तो सुबह से लेकर रात तक सबके फ़ोन अटेंड करते हैं और सबका काम कराने का पूरी पूरा प्रयास करते हैं। सुबह से रात तक कोई छुट्टी की तो गुंजाइश ही नहीं हो सकती जब आपका ब्रेक ही नहीं होता, दिन ही शुरू होता है और ख़त्म होता है रात के 12 बजे, वो भी श्योर नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, आपके जब पहला चुनाव आपने कहा आशीर्वाद, फिर दूसरे चुनाव में क्या क्या चैलेंजेस आए? दूसरे इलेक्शन में भी देखिए, चुनौतियाँ तो हर इंसान के सामने आती है, लेकिन हमने चुनौती मानी और कड़ी मेहनत करके हम दूसरा चुनाव भी जीते और फिर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला और मैंने उसी रफ्तार से, उसी मनोयोग से मैंने जनता की सेवा करी, तो लगातार मुझे मौका मिल रहा है। महिला होने के नाते कोई समस्या जो आपने फेस की हो या सामना किया हो, ऐसी कोई चीज़ कभी आपको लगा कि महिला होने के नाते दिक्कत हुई? देखिए, कभी कभी एहसास तो होता है, जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि महिला होने की वजह से अपने को कम तवज्जो देते हैं, ऐसा कई बार मैंने महसूस किया, लेकिन हिम्मत नहीं मारी और चुनौती मानकर उनसे भी लड़ाइयाँ लड़ी और जनता की सेवा करी।